hello so we are doing uh, chapter 3 what are business activities industries and commerce third chapter of commerce subject class 11 this is part 2 of chapter 3 in this part or uh, part 2 of chapter 3 we'll be discussing why small businesses in india is important what role do they play and how are they contributing in our economic growth and why are they so important and much essential for india india's business, india's um, economic development. Uh, basically, small businesses like you can uh, take an example of these micro units and small units. Uh, so, uh, there are uh, much backward areas in india. those rural areas, those who don't have much of business industry, and uh, we, we have huge population we have much abundance of labor resources available at our disposal so there are few states and few region and few areas of india which are not much developed they don't have enough of money to buy big, uh, you know, to invest too much into plant and machinery. They have more and more of human resources with them. They have more and more of labor, and they can bring those together to work. So ultimately, ho uh, kya Since they are not bringing uh, plant and machinery, they are making use of the labor, the human, the hands. So this is.

स्मॉल स्केल बिजनेस करते क्या है कि दे आर मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव मीन दे आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ द मशीन्स दे आर मेकिंग मोर एंड मोर यूज ऑफ दिसोर्स वी है इससे क्या हो रहा है कि uh, जैसे विलेजेस है गाँव है जहाँ पे uh, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है वहां का डेवलपमेंट होता है वहां पर यह छोटे छोटे बिजनेसिस जब टूटअप होते हैं वे एंटरप्रनोर बन जाते हैं तो उस एरिया का ये डेवलपमेंट करते हैं वहां के लोकली उस एरिया में गुड वैल्युएबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं ये बिग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखें जिसमें जेनेटिक जेनेटिक इंडस्ट्रीज को हम देखें जो कैटल uh, uh, है और एनिमल्स हैं स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको ब्रीड करा के दे मेक न्यू स्पीशी तो ये उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे काम करके इसको करने के लिए दे आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड नॉट मशीन्स सो देट इज रीड इट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन साइज बट प्ले अ वेरी बिग रोल इन द इकोमिकवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कॉरपोरेशन सेटअप है पर जहां पे नहीं है और जहां पे ह्यूमन अपने ह्यूमन रिसोर्स लेबर की हेल्प uh, से कर सकता है वो वहां पे स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया हैज़ अडोप्टेड द आइडल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विद फुल एम्प्लॉयमेंट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एज द मेजर ऑब्जेक्टिव सो वर्ड बाई वर्ड आइडल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी दिस मीन्स एवरी बडी इज वर्किंग फॉर एवरी वन वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी ओके विथ फुल इम्प्लॉयमेंट बाई सेटिंग अप मोर एंड मोर ऑफ बिजनेसिस मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मनी uh, नहीं है कैपिटल नहीं है मशीनरी uh, हम नहीं ला सकते तो हम बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते तो हम लेबर को यूज करके वो काम करा रहे हैं दिस इज क्रिएटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट बैलेंसड रीजनल डेवलपमेंट हाउ मेट्रो सिटीज आर डेवलप्ड ऑलरेडी बट द विलेज अदर सेक्टर ऑफ दिस इंडिया स्मॉल स्टेट्स वहाँ पर भी स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप होते हैं और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है मेट्रो सिटीज का भी हो रहा है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल बिजनेसिस की वजह से उन एरिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है जो बैकवर्ड रीजन्स में है सो लाइक इट इज बैलेंसड रीजनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस मतलब कि वो खुद ही अपनी कंट्री में अपने स्टेट में वो आइटम को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके कि उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता ओके सो दे आर सेल्फ रिलायंस स्मॉल स्केल फॉर्म्स आर हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स इन द फॉलोइंग वेज तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है यू शुड लर्न दिस लाइन इंडिया हैजॉप्टेड द आइडल ऑफ डेपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस और इसको करने के लिए कैसे करते हैं वट आर द पॉइंट जिस वजह से ये ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल होता है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि हम मशीन नहीं हम लेबर को यूज कर रहे हैं मोर एंड मोर लेबर को यूज कर रहे हैं जिस वजह से हम Uh, उस अगर मशीन की वजह से हंड्रेड पीपल कैन बी रिमूव्ड तो एक मशीन की वजह से हंड्रेड पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है स्मॉल स्केल फर्म्स यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड टेक्निकॉर दे हैव हाई पोटेंशियल टू टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफ पीपल पर यूनिट कैपिटल सो दिस थिंग दिस लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो एक स्मॉल बिजनेस कर सकता है लार्ज बिजनेस कभी भी नहीं करता सो दिस सुपर Uh, full employment in india in anywhere any country can be given only by a labor intensive technique which is followed by a small business in backward regions for every worker employed employed in large scale industries about three workers are engaged in small scale and cottage industries zyada se zyada, small scale and cottage industries may hai, and they are employed there नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल बिजनेस है जो सबसे ज्यादा मतलब सेकेंड नंबर पे आता है फॉर गिविंग अजनेस इन इंडिया स्मॉल फॉर्म प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अमंग द एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल क्लास दे ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट हुई पार्ट ऑफ देशजाम्पल फ्यू मंथ्स वेन द क्रॉप इज हार होने के बाद दे सो सीड्स एंड फॉर फ्यू मंथ्स दे कैन नॉट डू एनी थिंग अदर देन वाटरिंग तो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं यही टाइम पे वो उन फैक्ट्रीज को उन इंडस्ट्रीज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं तो इस तरीके से उन लोगों को भी स्मॉल स्केल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कुछ पार्ट ऑफ ईयर के लिए आइडल होते हैं इन फैक्ट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एन इफेक्टिव अप्रोच टू द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी बिकॉज इट 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 फॉलोज लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो जो एक प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है एंड हैव जॉबलेस पीपल्पलम सेव रिवील्डमेंट जनरेटिंग कैपेसिटी स्केल इंडस्ट्रीज टेन टाइम मोर देन दार्ज स्केबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या हो रहा है सोसाइटी का सोचा जा रहा है इस तरीके से इट इज सोशलिस्ट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट कैसे uh, जो रूरल एरियाज है उन जगह पे स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना उस एरिया को डेवलप करना और uh, हर तरफ हर इंडिया के हर एरिया में डेवलपमेंट होना इंडिया के हर एरिया में स्मॉल स्केल बिजनेस होना सेल्फ रिलायंस होना इन ऑल एरिया सो द बैलेंसड रीजनल मीन्स हर रीजन को बैलेंस कर रखा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ मेट्रो स्टेट्स में इंडस्ट्रीज हैं और बिल्कुल जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें कुछ भी नहीं हैजू बी एवरी रीजन शुड बी बैलेंस्ड सब इसलिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डिसवेलपमेंट एंड हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडस्ट्रियल डिस्पैरिटी मतलब भेदभाव तो एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में जो भेदभाव होता है कि रीजन वन डेवलप्ड है वहाँ के लोग डेवलप्ड है और दूसरे रीजन में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है तो इट इज तो ये क्या कर रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करके दोनों रीजनल की जो भेदभाव है डिस्पैरिटी है उसको रिमूव करते हैं एंड हाउ इज इट प्रमोटिंग डिस सेंट्रलाइज क्या होता है कि सारी पावर और या फिर यहाँ पे एक ही सेंटर एक कंट्री का एक सेंटर डेवलप्ड है इज नहीं होना इट शुड बी मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स स्टेट्स एंड विद इन एवरी फोर कॉर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी डेवलप्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू टूट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है तो उस एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है डिसेंट्रलाइज डेवलप्ड डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेस ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ एंड अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंडिकुलर मतलब की डिसेंट्रलाइजा तो क्या हो जाएगा एक सिंगल एरिया में कंसेंट्रेशन हट जाएगा कि एक एरिया में सिर्फ इंडस्ट्रीज कंसेंट्रेशन फ्रॉम वन प्लेस वन एरिया ऑफ द कंट्री विल बी रिमूव्ड सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब की सेल्फ सस्टेन खुद की ग्रोथ बट सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब की ऐसी ग्रोथ जो एक टाइम की नहीं है जो आपको yearly growth कर रही है और आपके आपके लिए आपके साथ रहेगी एरिया मतलब कि हर बंदा एक विलेज गांव से उठ के स्टेट में जा रहा है बड़े जगह जा रहा है काम करने के लिए क्योंकि उसकी इंडस्ट्री में है पैसा तो सबने कमाना है खाना तो सबने खाना है सो so, वहीं पर स्मॉल बैकवर्ड एरिया पे ही इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप हो जाएंगी तो इट इज कीपिंग अ चेक कि हर कोई इंसान मेजर पॉपुलेशन इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन दैट बैकवर्ड एरिया टू द अर्बन एरिया विच इज ऑलरेडी टू मच पॉपुलेटेड सो स्मॉल स्केल फार्म कैन बी अ यूजफुल मीन्स ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट रूरल जो बैकवर्ड एरियाज है उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है उनका डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे रीचेक होती रहते हैं वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होते रहेंगे चीजें रीबिल्ड होती रहती है रीचेक रिव्यूज री होते रहते हैं तो इट इज लाइक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज डेवलपमेंट ऑफ डिसाइज सेक्टर सेक्टर ऑल्सो इम्प्रूवस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल इन बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड एरिया में आप वाटर पंप लगा दो वेल्स लगा दो जहाँ पे पानी ही नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी वहाँ पे पावर हाउस लग गया है सो so, उस जगह का डेवलपमेंट है वहाँ पे ए, कोई कॉटन इंडस्ट्री जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सेटअप कर दी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया उस कॉटन इंडस्ट्री की वजह से यू you नो know, थो, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी की शॉप्स ओपन हो जाती हैं छोटे मोटे तो मार्केट ओपन हो जाता है दैट इज ऑल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड स्लोली स्लोली एक काम करता है तो उसकी वजह से दूसरा काम करता है क्योंकि एवरीबडी इज लिविंग इन सोसाइटी नो बडी कैन डू वर्क सिंगल एवरीबडी इज डिपेंडेंट तो सब एक दूसरे के साथ नीड बन जाती है कि एक सेटअप होता है तो उसके, उसको और चीजों की नीड होगी जिस वजह से अदर पीपल टेक अपॉर्चुनिटी एन द सेटअप न्यू बिजनेस अराउंड दिमाइजेशन ऑफ कैपिटल ओके स्मॉल स्केल फर्म रिक्वायर्स लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ क्योंकि एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो रिसोर्सेस चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें बिग मशीनरीज चाहिए होती है स्मॉल स्केल में नहीं चाहिए होती तो यहाँ पे कॉस्ट कम है यहाँ पे कॉस्ट कम है रिटर्न रिटर्न का रेशियो इज बेटर स्मॉल स्केल फर्म रिक्वायर्स लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देर फॉर ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑप्टेंड विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है ओके फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव दिसव बिग एक कॉटन पूरे विलेज के फिफ्टी सिक्सटी लेडीज आर डिपेंडेंट ऑन मी बिकॉज आई हैव सेटअप अ वेरी आई हैव कॉल्ड दैम कम टू माई फील्ड एंड रिमूव दोज कॉटन फ्रॉम द उस कॉटन को कलेक्ट करा और मैंने दूसरी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल रेडी कर दिया जो उसमें वनाएंगे थ्रेड बनाएंगे ओके सो कॉस्ट इज नील हियर इसलिए जो उसका एडवांटेज है देर फो आउटपुट कैन बी ऑपरेट Therefore, greater output can be obtained because cost come in. The annual survey of industries in 74-75 revealed that the fixed capital per employee in case of small-scale industry was 3706 as compared to 277. So like, you don't learn the exact figure, but if it if it is possible for you to write that, that it was a prox 3000 as compared to 27,000. You can write a prox word. So it shows a better presentation in your answer in case of large-scale industries okay so it says that fixed capital per employee for a uh, small scale industry was approx 3000 and it was 27,000 for a large scale industry so look, look at the uh, amount, look at the difference the capital a capital ka capital requirement difference of small and large scale.

इजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेड मोबिलाईजेशन एंडलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड स्किलइज रिमेन लैटेंड और अनयूटिलाईज फॉर एग्जाम्पल एक विलेज में वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉटन फील्ड है तो मैं उस एरिया में उस एरिया की सॉइल इज मच सुटेबल ऑफ ग्रोइंग कॉटन तो मैं उसका यूज कर रही हूँ नो इट इज मोबालाइजेशन ऑफ लोकल और मैं ह्यूमन लेबर को कलेक्ट कर रही हूँ आई एम मेकिंग यूज ऑफ माई लोकल रिसोर्स अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दे वुड हैव बीन रिमेन लैटेंट और अनयूटिलाइज स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड्स अ न्यू क्रेडे ऑफ स्मॉल एंटरप्रन्योकल टैलेंट मतलब कि आज आई है So this is encouraging me to be an entrepreneur uh, with a very with an investment of very well, business setup ka encouragement da, of self-employment. Okay. The growth of small enterprises helps in tapping latent resources like entrepreneurial skills and स्मॉल सेविंग स्पेशली इन रूरल एरिया अदरवाइज वो सारे लैंड बंजर बन, पड़ी हुई होती कोई काम नहीं कर रहा होता बस सब उठ के अर्बन एरियाज में कुछ जॉब करने के लिए आ रहे होते अब वहीं पर आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है कॉटन सेवनटी एटी लेडीज को आपने एम्प्लॉयमेंट दी है फॉर फ्यू मंथ्स सो वॉट इज दिस डूंग एवरीथिंग इट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस की वो एरिया अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट हो गया है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है लार्ज इंडस्ट्रीज को और इट इज बिल्डिंग दैट अर्ज एंड इट गुड दैट फीलिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रीन स्किल्स को भी वो एनकरेज कर रहा है एक्सचेंज अर्निंग्स अब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं अगर हम इम्पोर्ट कर रहे होते तो हम कभी सेल्फ रिलायंस नहीं होते अगर हम इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हम कभी कोशिश ही नहीं करते कि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हम खुद प्रोड्यूस करें तो हम हमेशा कभी हम सब सेल्फ रिलायंस हो ही नहीं सकते थे और अब हम स्मॉल बिजनेसिस सेटअप कर दिया है हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हम वी कैन फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट इन एक्सपोर्टिंग इनफैक्ट वी कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड वी कैन प्रमोट वी कैन हेल्प इन एक्सपोर्टिंग सो वायटिंग ऑन दैट एक्सचेंज सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूजिंग प्रेशर ऑन दंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन टू वेस्टली दे डू नॉट रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेबर इंटेंसिव टेक्नीक यूज कर रहे हैं दे आर दे डू नॉट रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ दो मशीनरी एंड इक्विपमेंट Secondly, they earn valuable foreign exchange through export of their products. Small scale sector accounts for 40% of the exports of non-traditional items and about 35% of country's total export. So it is contributing really good in export of country and this is how they are earning foreign exchange. Egalitarian society. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड हाउ अगर सिर्फ जैसी एग्जाम्पल लेती मैं अगर सिर्फ डेली में इंडस्ट्रीज होती और आजू बाजू सब नहीं होता तो इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में होती फ्यू उन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती जो सिर्फ उस एरिया में सेटअप करें आर डूइंग गुड दे दे प्रमोट अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस मोनोपोलिस एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ कंज्यूमर हाउ डू दे रिड्यूस मोनोपोलिस क्योंकि कंट्री इज प्रोड्यूसिंग समी अदर थिंग दे आर हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंस बाय नॉट गेटिंग थिंग्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेड तो सबके हाथ में आज पावर है प्रोड्यूस करने की ऐसा नहीं है कि कुछ एक या दो लोगों के हाथ में है तो इट इज़ रिड्यूसिंग मोनोपोली एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स कैसे अगर मोनोपोली होती और सिर्फ एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में पावर होती उस प्रोडक्ट को बनाने की तो वो उस प्रोडक्ट का आइटम का प्राइस भी अपने हिसाब से रखते दैट वुड हैव एक्सप्लॉयटेड द कंज्यूमर्स दे वुड हैव चार्ज एनी थिंग small industries help in raising the standard of living of the people living in rural area. we've done this point a lot. benefit a small scale firm are divided by a wider population. job benefit. Ek, uh, us area ko milta hai, us business was set up currently. it is divided by a wider population of that backward area, that rural area. feeder to large industries. small scale industries, they provide uh, raw material to the large industries large industries could have bought that raw material. they could have imported or could be like in this way. they have set up new business in the rural area. they are developing rural area as well. and they are also uh, provi providing raw material to industries. small-scale sector is complementary to the large-scale sector. small-scale industries manufacture various types of components, spare parts, tools and accessories which are required by the large-scale sector. स्माल फर्म्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई अ स्माल स्केल फर्म्स बाय अ लार्ज स्केल फर्म मतलब कि अगर अगर लार्ज स्केल फर्म कुछ एक फाइनल रॉ मटेरियल बना रही है और स्मॉल स्केल फर्म रॉ मटेरियल नहीं दे रही बट उसके एंड प्रोडक्ट को uh, इधर से उधर सप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस ट्रेड में एक बिजनेस सेटअप कर सकती है सोशल एडवांटेज कैसे हो रहा है सोसाइटी uh, को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो सोसाइटी का हर रीजन इक्वली बैलेंस हो रहा है डेमोक्रेसी है हर एक बंदे बंदा बिजनेस कर रहा है अपनी से है उसकी एंड सोसाइटी सोशलिज्म है लेबर इंटेंसिव है सो so, uh, अच्छा एक अच्छी पॉइंट इसका ये स्मॉल स्केल सेंटर का ये को ये कोई मशीनरी ऐसी यूज ही नहीं करता जिस वजह से कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो so small scale units also offer opportunity for an independent way of life to people with small means jo poor log hai, unke paas rehne ke liye bahut kam resources hai. they don't have enough money to eat also for them, they are giving an opportunity to lead an independent life. They offer savings in social overheads like education, housing. एंड मेडिकल फैसिलिटीज बाई टेकिंग इंडस्ट्री नियरर टू द पीपल मतलब कि स्मॉल बिजनेस क्या हो रहे हैं छोटे छोटे स्कूल ओपन हो रहे हैं या हॉस्पिटल ओपन हो रहे हैं या मेडिकल फैसिलिटी उनके एरिया में सेटअप कर देते हैं तो इससे क्या हो रहा है उनको उठ के इंडस्ट्रियलाइज एरिया में या अर्बन एरिया में नहीं आना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दो बेसिक नीड्स के लिए उनको उठ के दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ रहा है तो दिस तो तो इज सेविंग अलॉट

मोनोपोली नहीं है सब काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल सेक्टर तो बंदा कोई भी उठ के ओपन कर सकता है अपने घर में ओपन कर सकते हो सो इट इज गिविंग मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेमोक्रेसी सोशलिस्म एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर कॉजेस लेस पोलूशन ड्यू टू यूज ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी सिंपल टेक्नोलॉजी क्या है वो मोस्टली लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं या धागा भी बनाना होता है फैब्रिक बनाना होता है तो दे आर यूजिंग हैंड लकड़ी की धागे वाली मशीन यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए सो दे आर यूजिंग वेरी सिम्पल टेक्नीक विच इज नॉट क्रिएटिंग पोल्यूशन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस प्रोवाइड एंड एक्सिलेंट अपॉर्चुनिटी टू यंग मैन एंड वुमेन विद लिमिटेड मनी टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस देयर बिकम एंटरप्रीनियोर्स इन द एब्सेंस ऑफ स्मॉल दे कैन नॉट लॉन्च देयर ओन एंटरप्राइजेस एज अ रिजल्ट हैव टू गो इन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लास्ट खुद का सेटअप नहीं करेंगे तो उठ की बड़ी जगह रूरल अर्बन एरियाज में जाएंगे कहीं जॉब करेंगे सो दे विल है you know, uh, urban areas, abhi, youngsters at the backward area are getting more and more opportunities. they are getting excellent opportunity to, to be independent, to think of their own ideas and come up in front to become more and best, even better entrepreneurs. entrepreneurship is essential for the rapid economic development of the country. entrepreneur every individual will be employed and that individual resources of that important human resource has been optimally utilized they come up with such a brilliant ideas so this is going to you know this is going to result in a rapid economic growth of the country india remains underdeveloped despite abundant natural resources due to shortage of entrepreneurs they are not coming up with their own ideas and even if they have it they are not executing it these are few reasons why India might get underdeveloped. In spite of having a natural abundance of natural, we have good population. Okay, so it might remain un undeveloped. Okay, small businesses and entrepreneurs are concomitant to each other, ki they accompany each other. Okay. Uh, they are virtually as there are virtually as many entrepreneurs as the number of small scale enterprises. I am doing it at my uh, house level. I am an entrepreneur and it is a small scale business. Small scale uh, small businesses serves as the seed bed of entrepreneurship in the following way. And a small scale business, इंटरप्रेन्योर को और बढ़ावा दे रहा है दो ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड देयर फॉर पीपल विद लिमिटेड मनी कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस जिस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरप्रन्योर बन सकते हैं बिकॉज इट इज इजी टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एनी वेयर एंड इवन एट वन ओन रेजिडेंस तो इतने बाउंडेशन नहीं होते बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एनीबडी हुई कैन स्टार्टअप एनी वेयर एंड एट देअर ओन हाउसेस सो स्मॉल पॉइंट टू स्मॉल देयर फॉर एनकरेजिंग मोर एंटरप्रेन्य रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस इज लेस बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस है स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्स लिटिल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्किल्स ओके small firms can do job for large firms job work for large firms okay for an example how i can do a job work for large firms i have this big uh, bakery okay this bakery is making a number of items that a bakery industry can do mujik chuta I bakery bread so that's a job work and it's a small business for me i can start it at home

Kya hoga? Mere area development of my area I am providing raw material to that large uh, bakery and it is very less riskier so small businesses they encourage entrepreneurs okay, this is what is industry and we read what industry is what are the types of industry how small scale industries small scale businesses are small scale business not, not small scale industry because it is small businesses involves industry and commerce both are helpful in india and how are they contributing to economic development in india okay. from next class from the next part the next third video which i'll be uploading i'm going to start commerce and its nature it's a long topic commerce so industry was a very short short one and you can definitely expect one question from industry and definitely one question from commerce as well. Okay, that's it for now. Thank you.